नमस्कार प्यारी भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू हेल्प में। प्यारी जवानों के लिए के बहुत ज़रूरी अपडेट निकल कर आ रही है। प्यारी स्थापना दिवस के आयोजन है तो प्यारी जवानों को प्रतिभाग करने के संबंध में दो जरूरी आदेश जारी किए गए हैं। आज दोस्तों 5 दिसंबर 2022 हो चुका है। 5 दिसंबर 2022 को जो आदेश जारी किए गए हैं इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में डिटेल के साथ देने वाले हैं, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अपडेट के बारे में। तो दोस्तों हम आज कुछ अपडेट की तरफ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे पास एक यहाँ पर आदेश की कॉपी है। ये जो पत्र है प्रेषक जिला युवा कल्याण एवं प्रांतिक विकास दल अधिकारी जालौन के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है। सेवा में उप निदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल झांसी मंडल झांसी के द्वारा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दिनांक 5 दिसंबर 2022 का है पत्र है। विषय में उन्होंने लिखा है कि पीआरडी स्थापना दिवस के आयोजन है तो पीआरडी जवानों को प्रतिभाग कराने के संबंध में। आप देख सकते हैं कि महोदय कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में महानिदेशक प्रांतीय रक्षक दल विकास दल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के दिशा निर्देश आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 9/11/2022 के अनुपालन में जनपद जालौन से निम्नलिखित पीआरडी जवानों को स्थापना दिवस के आयोजन हेतु निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। यानी दोस्तों यहाँ पर कुछ सूची इन्होंने भेजी है। उपनिदेशक जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल झांसी मंडल झांसी को यहाँ पर भेजी गई है। आपको दिखा दें कि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सूची, कुछ पीआरडी जवानों की सूची भेजी गई है। इसमें आप देख सकते हैं जैसा कि आपको एक नाम यहाँ पर पढ़ के बताते हैं कि श्याम बाबू और पिता का नाम है भान सिंह। आप देख सकते हैं इनका विकासखंड और इनका जो पता दिया गया है ग्राम लेकोपुर विकासखंड डकोर और इनकी जन्मतिथि लंबाई और पीआरडी कोड ऑनलाइन अप्रूव नंबर दोस्तों दिया गया है और इनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर इनकी काफ़ी 33 लोगों की सूची भेजी गई है, जिसमें प्रतीक्षा रथ में दोस्तों यहाँ पर 5 लोगों को रखा गया है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक उपनिदेशक युवा कल्याण कानपुर मंडल कानपुर के द्वारा यहाँ पर महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तर प्रदेश लखनऊ को यहाँ पर एक पत्र भेजा गया था जो कि 21 नवंबर 2022 को भेजा गया था। इसमें भी विषय में इन्होंने दिया है कि पीआरडी स्थापना दिवस के आयोजन हेतु पीआरडी जवानों की सूची का प्रेषण। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पेज पर दोस्तों 18 पीआरडी जवानों की ड्यूटी लगाई गई जो कि अलग अलग जनपद से लगाई गई है। आगे और भी हैं, आप देख सकते हैं टोटल 37 जवानों को दोस्तों यहाँ पर उसमें बुलाया गया आयोजन में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें 25 पुरुष और 7 महिला पीआरडी स्वयंसेवकों का चयन निम्नलिखित विवरण के अनुसार सूची आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 जवान अयोध्या के हैं, 2 अम्बेडकर नगर, 2 अमेठी के, 2 बाराबंकी, 2 सुल्तानपुर, 2 सीतापुर, 2 लखीमपुर खीरी के, 2 हरदोई के, 2 उन्नाव के। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2 रायबरेली के और यहाँ पर लखनऊ के, तो कई लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग और लखनऊ के हैं, जिसमें दोस्तों 32 की सूची यहाँ पर भेजी है और यहाँ पर 4-5 लोगों को, यहाँ पर 5 लोगों को दोस्तों प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। आप दोस्तों देख सकते हैं अगर आप भी इन किसी जनपद में से हैं तो दोस्तों आप अपना नाम भी देख सकते हैं। इस पूरी सूची की कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि हमारे इस चैनल पर जब भी कोई पीआरडी जवानों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।